हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सममिति। लास्ट क्लास में हमने सममिति के इंट्रो के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम अभ्यास 14.1 यहाँ पर करेंगे। तो देखिए 14.1 में क्या है हमारे पास, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा और अर्थात सममित रेखा बिंदु अंकित बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई हैं। बिंदुकित यानी कि दर्पण रेखा से प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। आप बिंदु अंकित रेखा के अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं और फिर प्रतिबिंब के एक दर्पण में देख सकते हैं। क्या आपको पूरी की गई आकृति का नाम याद है? तो अब देखो ये आकृति हमें दे रखी है, ठीक है। हमें क्या करना है, इन आकृतियों को हमें क्या करना है, इन आकृतियों को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है ना। कंप्लीट करने के बाद फिर हमें ये बताना है कि आकृति जो है कौन सी फिगर शो कर रही है, कि ये ट्रायंगल है, सर्कल है, या फिर स्क्वायर है, या क्या है हमारा, है ना। ये हमें बताना है इसमें। अब देखो कितने पार्ट हैं इसके, ए बी सी डी ई एफ। इसके पार्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। 6 पार्ट इसके हमारे पास है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट ही रहा हमारे सामने, दी गई आकृति क्या है, ये है। अब इसको कंप्लीट करेंगे तो देखो कैसे कंप्लीट होएगा ये। तो ये हमारा बन गया एक वर्ग, आकृति पूरी हुई और ये बन गया हमारा वर्ग। क्यों? क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं और चारों भुजाएं आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हमें दे रखा है। अब यहाँ से इसको कंप्लीट करेंगे तो ये ऐसे कंप्लीट होगा, 1 2 3। तीन भुजाएं, तीन भुजाओं को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल। क्या कहते हैं, ट्राइंगल। अब देखो ये बन गया हमारा त्रिभुज। अब हम देखते हैं अपना थर्ड वाला पार्ट यानी सी पार्ट। अब सी पार्ट में हम इसको ऐसे ऐसे करके जब ये कवर होएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो कितनी भुजाएं, 1 2 3 4। तो हम इसको बोलेंगे सम चतुर्भुज, यानी कि समान भुजाओं वाला चार भुजाओं वाला भुज, यानी कि सम चतुर्भुज। अब ये देखो ये पार्ट हमें दिया हुआ है, तो अब इसको कंप्लीट करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वृत्त। क्या हो जाएगा, ये हमारा वृत्त। साफ पता चल रहा है सेमी सर्कल था, जब इसको पूरा करेंगे तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको सेम ऐसे ही करना है तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। काउंट करो भुजा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पंचभुज और ये क्या हो जाएगा, हमारा वृत्त। तो पंचभुज ये हमारा हो गया। अब इसको काउंट करेंगे तो जब इसको हम काउंट करेंगे तो क्या आएगा, ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा हो गया अष्टभुज। क्या बना है, हमारा अष्टभुज। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसमें एक तो अष्टभुज बना, एक पंचभुज, एक वृत्त, एक समचतुर्भुज, त्रिभुज एंड वर्ग, ये सब आकृति हमारी इसमें बनकर आई और आकृतियां भी इसमें बन सकती थी। अब इसमें देखो निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममित रेखाएं हैं, ऐसी आकृतियों की यह कहा जा सकता है कि इनकी अनेक सममित रेखाएं हैं। अब देखो ये है ना, ये आकृति देखो इसमें कितनी अधिक सममित रेखाएं, ये है तो एक सममित रेखा, दूसरी सममित रेखा दो हो गई। इसमें कितनी हुई, 1 2 3, ठीक है। अब ये हो गई 4, तो चार सममित रेखाएं हैं इसमें। इसमें देखो 1 2 3, तीन सममित रेखाएं इसमें हो गई, ठीक है ना। तो इसमें इतनी सारी सारी सममित रेखाएं हमें दी हुई हैं। अब कह रहे हैं निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक विविध सममित रेखाएं यदि हो तो की पहचान कीजिए, किसमें अधिक एक से अधिक सममित रेखाएं हैं और किसमें नहीं है। तो हमें कितनी आकृति दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आकृति हमें दी हुई है। अब इनकी हमें क्या करनी है, पहचान। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, दी गई आकृति, दी गई आकृति है हमारी 1 2 3, ऐसे दे रखी है तो सममित रेखाएं है ना। तो देखो उनकी सममित रेखाएं करो, 1 2 3, तीन सममित रेखाएं इसमें हो गई। तो हैं एक से अधिक सममित रेखाएं। अब इसमें देखो एक तो हम यहां से सममित कर सकते हैं और एक यहां से, तो इसमें हो गई दो सममित रेखाएं। अब इसमें देखेंगे ट्रायंगल में तो मैंने आपको बताया था तीन सममित रेखाएं होती हैं, येरी एंड येरी, तो थ्री सममित रेखाएं हैं येरी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हम देखते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में देखो क्या है, डी पार्ट में एक ये रहा, एक ये रहा, ये है ना। तो देखो कैसे करेंगे, हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके से दो सममित रेखाएं इसकी हो गई।
अब इसमें देखो यहाँ पर कितनी सममित रेखाएं हैं, एक और दो। कितनी सममित रेखाएं, एक और दो, तो दो सममित रेखाएं इसकी यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पे देखो यहाँ कितनी सममित रेखाएं हैं, एक एंड वन एंड टू, दो सममित रेखाएं इसमें यहाँ पर हैं, तो यहाँ हो गई इसकी दो सममित रेखाएं। अब इसमें हम देखेंगे जी पार्ट में, तो जी पार्ट देखो एक दो तीन एंड चार, तो इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं, चार सममित रेखाएं इसमें हो गई। देखो काउंट करो वन टू थ्री एंड फोर, ओके। अब इसमें काउंट करो इसमें कितनी सममित रेखाएं, देखो एक तो ये हो गई वन, फिर ये हो गई टू, फिर ये हो गई थ्री, फिर ये कितनी हो गई फोर, फोर के बाद ये हो गई फाइव, फाइव के बाद ये हो गई सिक्स, ठीक है। तो छह सममित रेखाएं इसमें हो गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने कंप्लीट करा कि इसमें छह सममित रेखाएं, इसमें चार, इसमें दो, इसमें दो, इसमें भी दो। तो हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि कौन सी आकृति में सममित रेखाएं हैं, प्रत्येक से विभिन्न सममित रेखाएं, तो एक से अधिक तो सममित ही थी सारी आकृतियों में ही, तो वो हमने बता दिया कौन कौन सी हैं और उन्हें हमें हमने ड्रॉ करके दिखा दिया। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फाइव। यह दी हुई आकृतियों की प्रतिलिपि बनाइए, किसी एक विकर्ण की सममित रेखाएं लीजिए, कुछ और वर्गों को इस तरह छायांकित कीजिए कि यह आकृति इस विकर्ण के अनुदिश सममित हो जाए। क्या ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं और क्या आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित होगी? तो देखो अब क्या है हमारा आंसर नंबर फाइव, वर्गों को छायांकित करने से बनी आकृति निम्न है। क्या क्या आकृतियां हैं, ये है एक वर्ग हमारा। अब वर्ग को हमें छायांकित करना है, तो अब देखो एक से अधिक आकृतियां हैं या नहीं है। हाँ ऐसा करने की एक विधि, एक से अधिक विधियां हैं। हाँ यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित है। हमने एक विकर्ण ऐसे ड्रॉ करा, एक विकर्ण ऐसे ड्रॉ करा, तो यह आकृति सममित आई। अब हमने ऐसे ड्रॉ करा तो भी ये सममित आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि एक से अधिक आकृतियां हैं और एक से अधिक विधियां हैं और यहाँ दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित होंगी। अब सिक्स पार्ट देखिए, निम्नलिखित आरेखों की प्रतिलिपियां बनाइए और प्रत्येक को इस प्रकार पूरा कीजिए ताकि वह आकर आकर दर्पण रेखाओं के अनुदिश हो, ठीक है। अब देखो ये है ना, इसके अनुदिश बनाना है, यहाँ पे एक हमने मिरर लगा दिया, तो इसके अनुदिश बनाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखेंगे बी पार्ट, तो बी पार्ट ए पार्ट में तो कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है कि ये सममित रेखा है। अब बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में कैसे दिख रहा है, बी पार्ट में देखेंगे हम, तो अब इनकी सममित रेखा इन्होंने बोला है कि चार तरफ से हमें एक तरीके से बनानी है, एक दो तीन, तो एक तो इधर आ जाएगी सममित वाली, ठीक है। तो अभी जब ये सममित हो जाएगी, आ गई सममित वाली रेखा, फिर इसकी सममित इधर आ जाएगी और इसकी सममित इधर आ जाएगी, ठीक है ना। तो चार सममित इस तरीके से बन जाएंगे। अब इसमें देखो ये है, तो ऐसे ही ये आ जाएगी, फिर ऐसे ही ये आ जाएगी, फिर ऐसे ही हमारी ये सममित रेखा आ जाएगी, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ भी इस तरीके से डॉट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कैसे डॉट आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये डॉट के अकॉर्डिंग हम यह सममित रेखा ले लेंगे एक, ठीक है ना। अभी सममित रेखा लेने के बाद ये आ गई एक सममित रेखा, कुछ इस तरीके से और अच्छे से बन जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे पास है, निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममित रेखाओं की संख्या बताइए। अब निम्नलिखित आकृतियों के लिए हमें सममित रेखाओं की संख्या हमें बतानी है। क्या क्या है, एक तो समबाहु त्रिभुज के लिए, फिर समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, एक विषमबाहु त्रिभुज के लिए। अब देखो इसमें ना आपको ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु कैसा होता है और विषमबाहु कैसा होता है, एक वर्ग कैसा होता है, आयत कैसा होता है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज सिंपल और एक समषट्भुज और एक वृत्त। इस तरीके से हमारे कितने पार्ट हुए, थ्री और थ्री सिक्स और थ्री नाइन और वन टेन, टेन पार्ट ही हमारे हो गए। हम इन टेन पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले बात आती है एक सम त्रिभुज की। अब सम त्रिभुज कैसे बनेगा, समबाहु त्रिभुज का मतलब है यहाँ पर जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो ये रहा समबाहु त्रिभुज, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। तो समबाहु त्रिभुज ये रहा, इसकी तीनों भुजाएं समान है, इसकी सममित रेखा देखो वन टू एंड थ्री, थ्री सममित रेखा इसकी हो जाएंगी। एक है समद्विबाहु त्रिभुज, अब समद्विबाहु त्रिभुज है हमारा, तो समद्विबाहु त्रिभुज ये हो गया। अब समद्विबाहु का मतलब है जिसकी समान समान दो भुजाएं हो, कितनी हो दो भुजाएं, तो ये हो जाएगा एक दो
तीन चार, ऐसे करके हमने यहाँ पे वो लगा देते हैं एक साइन, जिससे पता चल जाता है कि ये भुजाएं समबाहु हैं। अब देखो एक विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु होता है जिसकी एक भी भुजा समान नहीं होती। देखो विषमबाहु त्रिभुज जो हमारा होता है वो कैसे है, अब देखो ये रहा हमारा विषमबाहु त्रिभुज, ये रहा, ठीक है, ये भुजा भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, सारी भुजाएं इसकी क्या है, अलग अलग है, तो इसमें कोई भी सम्मिति नहीं होगी। जब भुजाएं ही अलग हैं तो हम सम्मित कैसे कर देंगे, तो इसलिए आ जाएगा 0 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो डी पार्ट, डी पार्ट में है हमारा वर्ग। अब वर्ग तो अपने आप में ही जिसकी चार भुजाएं समान हो, चार भुजाएं क्या हो, जिसकी चार भुजा आपस में क्या हो, समान हो, समान हो, तो यही आ जाएगा हमारा वर्ग। तो देखो ये आ गया हमारा, चार भुजाएं समान हो तो चार ही इसमें सममित रेखाएं हो जाएंगी, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो आयत, आयत क्या होता है, आयत वो होता है, ये रहा एक आयत, आयत होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो, यानी कि लेंथ और ब्रेथ इसमें इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो अभी हो गया आयत, तो इसकी जब दो चीजें समान है आपस में, यानी कि लेंथ होती है लेंथ के इक्वल और ब्रेथ होती है हमारी ब्रेथ के इक्वल, तो इसमें सममित रेखाएं भी हमारी दो ही होंगी। अब बात आती है सम चतुर्भुज की। सम चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, समान हों, तो ये रहा सम चतुर्भुज हमारा। तो देखो अब इसकी दो ही भुजाएं समान होंगी, क्यों, क्योंकि अगर हम इसमें ऐसे करेंगे तो ये भुजा तो समान नहीं बैठेगी, तो इसलिए ये भुजा इसकी समान नहीं होगी। अब ये समांतर चतुर्भुज, जिसे आप पैरेललोग्राम भी कहते हैं, इसका साइन कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से हम इसे शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल इसे रेलवे ट्रैक। तो अब देखो इसमें क्या है, इसकी ये भुजा समान है, ये इसके समांतर जा रही है, ये इसके समांतर जा रही है, ये इसके समांतर जा रही है, पर समान भुजा कोई भी नहीं है, तो इसलिए कोई भी इसमें सम्मिति नहीं होगी। एक है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज तो कैसा भी हो सकता है, कोई भुजा छोटी कोई बड़ी, कोई छोटी कोई बड़ी, तो इसमें भी कोई चीज समान नहीं है, तो इसलिए इसमें भी आएगा 0। अब देखिए आई पार्ट, आई पार्ट में हमें बोला है सम षटभुज। सम षटभुज में क्या आएगा, जिसकी समान छह भुजाएं हों, क्या हो, समान छह भुजाएं। तो देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, छह भुजाएं समान है, तो मैंने तो इसमें तो आपको समझाया था कि छह भुजाएं हैं, तो छह ही इसकी सममित रेखाएं आ जाएंगी, ये मैंने आप पर आपको बनाकर भी शो करी है। अब व्रत है, तो व्रत तो भाई चारों तरफ से ही समान होता है, तो इसमें तो अनलिमिटेड यानी कि अनगिनत सममित भुजाएं इसमें हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आंसर अनंत। इस तरीके से हमारे 10 के 10 पार्ट यहाँ पर पूरे हुए। हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश परावर्तन सम्मिति दर्पण परावर्तन से सम्मित सम्मिति है, एक ऊर्ध्वाधर दर्पण और बी पार्ट में एक क्षैतिज, और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दोनों दर्पण। तो देखो ए पार्ट हमारे सामने है, अब ऊर्ध्वाधर दर्पण में किन किन अक्षरों के निम्नलिखित अनुदिश परावर्तन सम्मित है, तो देखो किस किस में है, ये आ गया एक दर्पण, अब ए है, ए को ऐसे रखोगे तो सेम ही आएगा, ऐसे ही एच भी सेम रहेगा, आई भी सेम रहेगा, एम भी सेम रहेगा। अब एन है, एन को आप दूसरी तरीके से रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, तो ये तो सेम नहीं रहा, तो इसलिए एन हमने नहीं लिया। अब बी है, बी कुछ इस तरीके से है, अब इसे देखोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, तो ये भी सेम नहीं हुआ, गलत हो जाएगा। सी रखोगे तो सी इस तरीके से हो जाएगा, तो ये भी सेम नहीं है, तो इसलिए ए एच आई एम ओ टी और यू भी हमारा ऐसे ही रहेगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये सब हमारे सेम रहेंगे। अब हम सोचेंगे जेड क्यों नहीं लिया, जेड ऐसे रहता है, तो अगर हम उसमें लेंगे तो जेड इस तरीके से आएगा, तो ये तो सेम नहीं हुआ, तो जो जो अक्षर हमारे सेम होंगे वो हमें यहाँ पर लेने हैं। अब बात आती है क्षैतिज दर्पण की। क्षैतिज दर्पण में होता है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, तो इसमें यहाँ और यहाँ वाला क्या होना चाहिए, यहाँ और यहाँ वाला समान होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, बी है तो बी इसी तरीके से आ जाएगा, सी भी इस तरीके से आ जाएगा, डी भी आ जाएगा। अब देखो ए क्यों नहीं लिया हमने, ए ऐसे है ना, तो यहाँ आ जाएगा इस तरीके से, तो ये तो उल्टा हो गया, ए डी भी सेम रहेगा, ई भी सेम रहेगा, एच आई ओ एक्स, और कोई क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो और कोई लेने से वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, उसकी आकृति चेंज हो जाएगी, तो इसलिए हम और कोई नहीं ले पाएंगे। अब देखो एफ ही लेना होता तो एफ कैसा हो जाता, एफ हो जाता हमारा कुछ इस तरीके से, तो ये तो उल्टा हो जाता, तो ये भी हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। अभी कह रहे हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों में जो समान थे, तो देखो कौन कौन से अल्फाबेट आए थे हमारे, इसमें क्या है, इसमें एच है, इसमें भी एच है, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें आई है, क्या इसमें आई है, हाँ इसमें भी आए हैं, फिर ओ देखो ओ इसमें है, हाँ इसमें भी है,
फिर ऐसे ही एक्स, तो एच आई ओ एक्स ये हमारे कॉमन है, एच आई ओ एक्स। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 हमारे पास है, ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिनमें कोई सममित रेखा न हो। अब कोई सममित रेखा इसमें न हो तो हम क्या करेंगे, 3 उदाहरण हमें लेने हैं यहाँ पर, निम्नलिखित हैं क्या क्या है जिसमें कोई सममित रेखा, एक तो चतुर्भुज में नहीं होती, विषम बाहु त्रिभुज में नहीं होती, और समांतर चतुर्भुज में हमें नहीं होती, ठीक है ना। क्या क्या हो गए, नंबर 1 चतुर्भुज ये आपको लर्न करना है, नंबर 2 विषम बाहु त्रिभुज, और नंबर 3 समांतर चतुर्भुज, और क्यों नहीं होती ये भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है लास्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखाओं के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं, एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखा है उसकी माध्यिकाएं शीर्षलंब कहलाती हैं, कहलाती है ना। मैंने आपको बताया था कि एक से दूसरे को जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे उसकी माध्यिका हुई, और एक वृत्त में सममित रेखाएं वृत्त का व्यास कहलाती है, तो आपको पता ही है कि जो सेंटर पॉइंट से होके जाती है वो क्या होती है सारी, वो उसके वृत्त के क्या होते हैं, व्यास होते हैं, तो ये तो अनलिमिटेड हो सकते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने सीखा किस किस में सममित रेखाएं नहीं होती, एक तो समद्विबाहु में नहीं होती, ठीक है, और किस में नहीं होती, और होती है हमारी सॉरी एक तो होती है हमारी विषमबाहु में, अभी हमने पढ़ा था ना 9th क्वेश्चन में क्या क्या पढ़े थे, एक तो चतुर्भुज, विषमबाहु त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, इसमें हमारी सममित रेखाएं नहीं होती। कौन कौन सी चीजें हो गई, 3 चीजें हैं, विषमबाहु, ठीक है, एक हमारा होता है चतुर्भुज, और एक हमारा होता है पैरेललोग्राम, इसमें नहीं होती हमारी, यानी कि समांतर चतुर्भुज में। तो ये हमारी 3 चीजें होती हैं जिसमें कोई भी सममित रेखाएं नहीं होती, मतलब 0 सममित रेखा होती है। एक हमने पढ़ा था कि कैसे हम आकृति को कंप्लीट करते हैं, ये हमने सीखा, तो ये सब आज हमने जाना, और किस में कितनी सममित रेखाएं होती हैं ये हमने सीखा था। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।